हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के एल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रचना के बारे में। तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए रचना के बारे में, अगर आप एनसीईआरटी का मैथ बनाए हैं तो, है ना। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यानी आपको जो दोनों साइड की लंबाई दिया हुआ है ए बी और बी सी, वो दोनों का 5.5 सेंटीमीटर दिया है। ए बी भी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी एच 6.3 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी बराबर 9.4 सेंटीमीटर। विकर्ण आप जानते हैं कि दो जो सम्मुख वर्टेक्स है ना, आमने सामने वाला जो वर्टेक्स है उसको मिलाने वाले जो रेखा होता है उसी को विकर्ण कहते हैं, ठीक है नहीं। और विकर्ण बी डी की माप ज्ञात करें, और ये भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, जब भी अगर आप कोई रचना करते हैं ना, तो उसको रचना ड्रॉ करने से पहले आप एक खुद हाथ से ही हैंड रिटेड एक कोई ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कर लीजिए नॉर्मल सा, ठीक है। आपको चतुर्भुज बनाने के लिए बोला तो एक चतुर्भुज ले लीजिए, इसमें ए बी सी डी नाम दे दीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या करना है ना। ए बी आपको दे के रखा है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और डी ए दे के रखा है 6.3 सेंटीमीटर, समझ में आया। और ए सी एक विकर्ण, तो ये वाला विकर्ण हो गया है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट्स 9.4 सेंटीमीटर। अब इससे आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है, समझ में आया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो हम लोग पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। आपके पास स्केल होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में रूलर बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर यानी 0 से 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर तक का एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ तक आएगा, ठीक है, क्लियरली तो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक आएगा। और हम लोग इसको नाम दे रहे हैं ए बी, इसका नाम क्या हो गया, ए बी। ये आपको राइट हैंड साइड में कर लीजिएगा, समझ में आया। इसका मेजरमेंट कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कीजिए, इतना ही 5.5 सेंटीमीटर का बी सी भी लेना है, इसका मतलब बी सी एक लाइन सेगमेंट आप नाप लीजिए 5.5 सेंटीमीटर का। तो चूंकि हम लोग पहले से ये ड्रॉ कर लिए 5.5 सेंटीमीटर का, तो ये 5.5 सेंटीमीटर का है कि नहीं। यानी बी से अगर इसको ये किया जाए तो इसका मतलब ये यहाँ पर एक चाप कटेगा, समझ में आया, इस तरह से, ठीक है। और भी इधर कर लीजिए ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब ए सी आपको दे के रखा कि 9.4 सेंटीमीटर, तो 9.4 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। तो यहाँ से 0 से 9.4 सेंटीमीटर को इसको फैला लीजिए, समझ में आया। 9.4 सेंटीमीटर फैलने में दिक्कत हो रहा लगता है, चलिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस। हाँ, 9.4 कैसे होगा, आपको तो पता होना चाहिए, 5 से 1 पॉइंट कम होगा ना, 9.5 से। तो यहाँ से पहले वाले चाप को काटिए, कहीं ना कहीं कटेगा। अब देखिए, वो छोटा हम उधर बना दिए इसलिए ऐसा हो गया, हम उसको इसमें ले जा करके मिला देते हैं, मिल जाएगा आराम आराम से, इस तरह से, है ना। तो जहाँ कटा ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, ये आपका आएगा पॉइंट सी। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा ना, पेन से नहीं कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा। मैं पेन से इसलिए से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब इस पॉइंट सी से बी को देंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट ये आ गया, साइड आ गया। अब हम लोग को कहाँ जाना है, डी पॉइंट निकालना है जो सी से 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का फिर चाप काटेंगे, इसको चाप बोलते हैं। तो 4 सेंटीमीटर काट लेना, इसको नाप लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर का, कैसे होगा, स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अगर छोटा मोटा हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा जायज़ है, ऐसा नहीं कि फिर पूरा ही गड़बड़ कर दे, है ना।
तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं, ये वाला पॉइंट में बैठाएंगे अपना नीडिल को, इसको नीडिल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, ए से 6 सेंटीमीटर का, अब ये पॉइंट डी निकलेगा है ना, तो ए से 6 सेंटीमीटर का यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर का इसको नाप लेते हैं हम लोग, 6 सेंटीमीटर कितना आएगा तो देख लीजिए। हाँ सिक्स सेंटीमीटर तो इतना आएगा, आप यहाँ पर काट दीजिए। इसका मतलब ये जो आया ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पॉइंट डी, समझ में आया। अब यहाँ से सी से डी को मिलाइए, ठीक है, और ए से डी को मिलाइए, ठीक है, इसको भी मिला दीजिए क्योंकि ये विकर्ण भी आपको दिया हुआ है ना, ये सी। और क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि ये जो बीस बी डी है वो डॉट डॉट में मिलाना था, हाँ ये जो बी डी है इसकी लंबाई क्या होगा ये भी आप बताइए। तो बी डी की लंबाई हम लोग नाप लेते हैं, तो 4.3 आ रहा है ना, लेकिन एक बार आंसर से हम इसको ये कर लेते हैं, आंसर में तो दिया नहीं होगा, एक सेकेंड। हाँ नहीं दिया है, तो आप दे दीजिएगा बी डी बराबर 4.3 सेंटीमीटर। देखिए आपका यहीं तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कोई भी अगर रचना करते हैं ना तो इसमें रचना चरण करना लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मतलब आप ये रचना किए कैसे, ठीक है। और अभी ऐसे आदत डाल लिए इसको लिखने का, रचना चरण लिखने का, क्योंकि आपको कोई भी अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आदत डालते रहिएगा तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा पहले इसके लिए मैं बता देता हूँ है ना, बाकी जो और दूसरा हम लोग लिख बनाएंगे कोई रचना करेंगे उसमें आप खुद से लिखिएगा। तो जो जो काम किए उसी को सिर्फ लिखना है। हम लोग क्या किए, पहले एक ए बी रेखाखंड लिए 5.5 सेंटीमीटर का, तो सिंपली अपना भाषा में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, ये किए। अच्छा लंबा हो जाएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ इसको। हाँ तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु बी से हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटे, तो वही लिखे बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर का तथा बिंदु ए से 9.4 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद क्या किया, तथा बी सी को मिलाया और बी सी को मिला दिए। और तीसरा पॉइंट में क्या लिखे, बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप तथा बिंदु ए से 6.3 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ, और इससे डी प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए, सी डी और ए डी को मिला दिए है ना, अतः अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ, जिसमें विकर्ण बी डी बराबर 4.3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, मतलब 4. ये बी डी भी निकालने के लिए बोला ना विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, और ये आदत डाल दीजिए रचना चरण लिखने का, ताकि आपको ये आदत बनता रहे और आसानी से आप कोई रचना चरण को लिख सके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, ठीक है।